हाँ रुबीना को मैंने बार बार बुलाया बट रुबीना का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। और मैंने एक न्यूज़ में देखा कि रुबीना ने कहा कि हर तरीके से मैसेज राखी को हेल्प करेंगे ये वो। मुझे हेल्प नहीं चाहिए बेबी रुबीना, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मेरी माँ होश में आने के बाद बार बार आपका ही नाम ले रही है। अली कहाँ है, रूबी कहाँ है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। हो सके तुम्हारे बिजी शेड्यूल से एक बार आके मॉम को एक बार वीडियो कॉल या कैसे भी देख लो। मम्मी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना चाहती है। शी लव्स यू। बिग बॉस में रितेश वॉज शॉक्ड जब मैंने टूट कर उनके बारे में बताया था। वॉज लिटिल हर्ट। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए था राखी, बट वो जो ऑनेस्ट है वो है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। आई थिंक मेरे ख्याल से मीडिया में भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं एंड बहुत जल्द हाँ देखे तो थे ना। और क्या नहीं, और बहुत जल्दी हम आपको सरप्राइज देंगे। वाई यू वरिड? सरप्राइज देंगे। थैंक यू। मम्मी को कल फिर से एडमिट किया जा रहा है, कल क्या सिटी केयर हॉस्पिटल में कल कीमोथेरेपी कल से होगी। कल सेकंड लास्ट है, फिर लास्ट होगी। और मैं नहीं बताऊं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कल आप लोग को पता चल जाएगा। बोलना अच्छा नहीं होता, सब लोग तबीयत देखने के लिए आ रहे हैं। इवन करण, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए ज़ीरो भी नहीं था, सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात, सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा जिंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब वहाँ पे अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया, मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था। मैंने कहा रुबीना को, क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा ओके, मेरे बाएँ हाथ का जादू है तो मैंने किया ना, तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी, और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया।